आ गए ब्लॉग देखने। देख आ गए ये लोग। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना और इंस्टा पे भी फॉलो कर देना, मतलब पूछने का नहीं सर, कर देने का। और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर ज्यादा पसंद आए तो कमेंट कर देना, और कुछ और हाँ शेयर भी कर देना। ये और कुछ बाकी रह रहा है क्या? और हाँ ईयरफोन्स यूज करना। नहीं सर गाली गलौज नहीं है ये, तो तुम लोगों को वीडियो देखने में मजा आए ना इसलिए। हाँ सो एंजॉय द वीडियो। ओए पहले पंखा चालू कर यार। खूबसूरत है ना? पता है मेरा गांव है अडवाणा, कभी मौका मिला तो इस जगह से भी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन फिलहाल स्टोरी पे आते हैं। कुछ महीनों पहले की बात है, यहाँ दिन काफ़ी सही जा रहे थे, रातों को मूवीज देख रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस में नींदें पूरी हो रही थी, सनसेट देखने के भी अलग मज़े थे। भाई बहुत मिस करता हूँ, या तो कभी कभी वहाँ चला जाता था जहाँ कोई नहीं होता था। इन शॉर्ट लाइफ बड़ी सही जा रही थी, और फिर बस लाइफ ने कस के एक फटका लगाया, कुछ ऐसे ही। हो गया तुम्हारा? नहीं, अरे तो किक स्टार्ट था ट्रिप का, क्या नहीं समझे? एक्चुअली ऐसे फटकों से ना रिकवर होने के दो रास्ते होते हैं, एक खुद को टाइम दो जो कि बहुत दिया था, और दूसरा किसी ट्रिप पर निकल जाओ। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ट्रिप पे अकेले ही जाता हूँ, पर इस बार दोस्तों की जरूरत थी। काफी सोच विचार करने के बाद मैंने अपने दोस्त को फोन घुमाया, और मैं ट्रिप के बारे में बोलूँ उससे पहले वो बोला, भाई गिरनार में प्लान करिए। और वो सुन के मुझे सो फाइनली मैं और मेरे तीन दोस्त हुए रेडी। फिर पूरे प्लानिंग और पैकिंग के साथ में निकल दिया जूनागढ़ के लिए। सो दिस वॉज द डे जीरो एस्केप। अडवाणा से मैं बस और रिक्शा करके पहुंचा पोरबंदर, फिर वहां से दूसरी बस पकड़ी, कंडक्टर से जूनागढ़ की टिकट ली, बाकी के छुट्टे वापस लिए, और फिर प्ले की मैंने अपनी प्लेलिस्ट। सो गाइस If you don't like these songs, then you don't have a good taste. I'm sorry. मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। खो गए हम कहाँ रंग सा ये जहाँ खो गए। Watch this short video to get 30 minutes of uninterrupted listening. माँ की आँख सो अच्छी खासी चपकी मारने के बाद जब मेरी नींद खुली तो जूनागढ़ आ गया था। फिर वहां से मुझे जाना था पास के एक गांव में, तो मैंने किसी से पूछा, काका चौकली गाम जावा माटे? और काका स्वैग में बोला, आई विल टेक यू इफ यू सिट इन द ऑटो। सो काका ने मेरे को रिक्शा में भरा और हम निकल दिए उस गांव की तरफ। प्लान के हिसाब से हम सब एक हॉस्टल में स्टे करने वाले थे, और वो हॉस्टल हमारे दोस्त की थी, मतलब उसकी नहीं, वो पूरी जगह संभालता है। अभी 2 सेकंड रुक जाना, अभी उसकी एंट्री होने वाली है। ये है वो नमूना। हार्दिक छोकरो को तैयार से डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है, बाकी अंदर की बात करो तो घर के सारे काम कर लेता है, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, इस्त्री करना, इन शॉर्ट सर्वगुण संपन्न है ये लौंडा। कभी खुशी कभी गम ना जुदा। Mr. Sanjay Kapoor, what we are cooking today? कोमिल उसाग ने रोटली। वैसे आप बना काफी अच्छा लेते हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? सब कुछ। फिर रात को इसके हाथ का खाना खाने के बाद आया उस लाइक मजा आया। And yeah, that night I uploaded my first comic sketch. इतना तगड़ा रिएक्शन आएगा ये सोचा नहीं था। फिर मैं मस्त एक स्माइल लेके सो गया, हाय, क्योंकि अगली सुबह दो नमूने और आने वाले थे।
मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में, गजनी की औलाद। क्या हॉरिफाइंग मोमेंट रहता नहीं, मतलब मेरी सासू माँ जो एग्जिस्ट भी नहीं करती वो ऐसे मेरे को। स्टोरी पे आते हैं। सुबह जब मैं उठाया गया इन दो नमूनों ने, मेरे को इन दोनों का भी इंट्रो देता हूँ। सो दैट्स माई बॉडी नीनाद, ऐसी शक्ल है ना, वैसा ही दिल है इसका, भोला है एकदम, गऊ आदमी है गऊ। एंड या वन मोर थिंग, ही हैज डन बैचलर्स इन केमिस्ट्री बट हिज ट्रू टैलेंट इज म्यूजिक। इज अ राइजिंग स्टार। एक बार कैफे में हम सब दोस्तों के लिए इसने परफॉर्म भी किया था। थैंक्स बड़ी। यूट्यूब पे चैनल भी है इसका, बाद में चेक कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी है। एंड दिस गाय रियली नीड्स नो इंट्रोडक्शन एट ऑल, एक मुलाकात काफी है। रचित, शक्ल से बहुत स्वीट इनोसेंट एंड स्वामी टाइप का लगता है ना, लेकिन है बहुत बड़े हरामी टाइप का। आई शपथ, ही हैज डन बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, लेकिन अंदर की बात करूं, ही इज द हैप्पीएस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। जितना हंसता है ना उतना हसादा भी है, जैसे जय के साथ वीरू था, मुराद के साथ एमसी शेर, श्रीकांत के साथ जेके, वैसे ये फायर ब्रिगेड है ये जीटिया का। Truly love you, brother. साला नौटंकी, घड़ी घड़ी ड्रामा करता है। और जब ऐसे नाम उन्हें साथ में हो तो व्लॉग बनाना तो बनता है। अब आओ मैं तो व्लॉगिंग बने ना कैसे? तो ये मज़ा जाए ना। मेन तो आज है नहीं? तो मैंने एक ट्राइपॉड मंगवाया था रचित के साथ, ऐसा थोड़ा फील आना चाहिए ना कि व्लॉगिंग करने वाले हैं ऐसा थोड़ा। तो ये नमूना उससे गोल्फ खेलने का प्लान करने लगा, कुछ नहीं तो साला पीठ खुजाने लगा, या तो अंड शंड कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर जब अपनी नौटंकियों से बोर हुए तो सोचा कि यार आसपास कहीं घूम आते हैं। थोड़ा फ्रेश हुए, हार्दिक ने चाय बनाई और हम निकल दिए घूमने। So this was the day one, the rise of SK. तब क्वेश्चन ये था कि कहाँ जाए, तो मैंने गूगल मैप में देखा कि एक पास में एक डैम है, हंसनापुर डैम, तो वहाँ जा सकते हैं। अब हार्दिक थोड़ा बिजी था तो फिर मैं, रचित और नियाद निकल दिए रिक्शा पकड़ के। अब रिक्शा में बैठे हों और रिक्शा वाला गाना ना बजाए तो थोड़ा ऐसा मज़ा नहीं आता, तो मैंने एडिट में संभाल लिया। So, आधे रास्ते तक हम रिक्शा में आए और जहां उतरे वहां से कुछ 2.5 किलोमीटर दूर था। अपने ही मौज में थे, काफी टाइम बाद अपने दोस्तों के साथ था, अच्छा फील कर रहा था। रास्ते में चलते चलते गिरनार की एक झलक भी दिख गई जो हमारा मेन डेस्टिनेशन था। अब इतना चलने के बाद जब हम हंसनापुर डैम के गेट पर पहुंचे तो देखा कि गेट ही बंद था। क्यों फील है? मेहनत बर्बाद। एक तो भाई जीवना जोखम आई है वो। आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है? जीवना जोखम भाई। ताड़ो जोई ने भाई बहुत निराशा थे, पसीना छूट गया, चीज बटर बदू निकली गई। ये पाछड़ सैड म्यूजिक ना के देवान बैकग्राउंड। कोई बात नहीं, पर हमने कुछ अच्छे फोटोज भी क्लिक किए और ये हरकत भी बाकी रह रही थी जो पूरी कर ली। फाइनली आफ्टर ऑल दी एफर्ट्स वी गॉट अ परफेक्ट पिक्चर। फ्रेम करवा के दूंगा इसको बर्थडे पे। फिर रिटर्न हुए तो साला मेन रास्ता आ ही नहीं रहा था यार, जहां से रिक्शा से उतरे थे। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर जो गाड़ी निकल रही थी उनको गालियां दे रही थी। इतनी मोटी गाड़ी, इकला हो जाए पर साला रुकी नहीं, उन्हें कि पूछे लिफ्ट माटे।
હમણાં બાઇક વાળા ગયા, બે જ જણ ગયા, એવું નહીં કે ત્રણ જણને બેસાડી જાય સાથે, બે જણ એકલા ગયા બાઇક પર. હાલત ખરાબ છે, કડિયુગ ભાઈ, કડિયુગ કહેવાય. વિકી કૌશલ ની હવે રાસ્તા કાય ખતમ નહીં હોતા બે. વો તો ઠીક, મેઇન રાસ્તે પે આગે ફિર ભી રિક્ષા નહીં મિલ રહી થી, માનો જૈસે ભગવાન હૈ હી નહીં. અભી તક નહીં મિલી. અભી તક કોણ? રિક્ષા વાળી. લેકિન જબ રિક્ષા મિલી તો લગા કે યાર ભગવાન હૈ. ફિર જબ હોસ્ટેલ પહોંચે ઓર દેખા કે હાર્દિક પાણીપુરી કા પ્રોગ્રામ કર રહા હૈ, તબ તો 100% શ્યોર હો ગયા કે ભગવાન હૈ ભાઈ. ક્યા પાણીપુરી થી યાર, ઓલ ક્રેડિટ્સ ગોઝ ટુ હાર્દિક એન્ડ હિઝ કઝિન પાર્થ, સિરિયસલી મજા આ ગયા. ભર પેટ ખાના ખાને કે બાદ મેરા તો મૂડ ડાન્સ કરને કા થા. હું કઈ ગાંડો નથી રે, હું કઈ ખેલો નથી રે. લેકિન ફિર હટાઓ યાર, બત્તી બુજાઈ ઓર સો ગયે, ક્યોંકિ દૂસરે દિન ઘૂમને ભી તો જાના થા. રચિત કે નેસેસિટી કે દો ગુટ અને જોડે ગરમા ગરમ ગાંઠિયા, ઓહો મોજ આવી ગઈ. લેકિન ઉસ ચક્કર મેં ના હમારી બસ મિસ હો ગઈ. બસ તો મિલી નહીં, ફિર વેન મેં બેઠ કે ગયે. ખચા ખચ ભર કે રખા થા હમ લોગો કો. એકચ્યુઅલી હમ લોગ માંગરોલ જા રહે થે હાર્દિક કે ગયે, ફિર વહાં સે માધોપુર કા પ્લાન થા ઓર રાત તક જૂનાગઢ વાપસ રિટર્ન. જબ ઉતરે તબ થોડી સાંસ આઈ. કેવી રહી હાલત? બોડી આખી અકડી ગઈ છે ભાઈ. ઓર જાન મે જાન તબ આઈ જબ હમ હાર્દિક કે ઘર પહોંચે. નહીં યે નહીં, ઇસકે પીછે હૈ ઘર. હા યે હાર્દિક કે પૂરી ફેમિલી સે હમ પહેલી બાર મિલે થે, ઉસકે પેરેન્ટ્સ, દાદા દાદી, કઝન્સ. બહોત અચ્છા લગા, સિરિયસલી બહોત અચ્છા લગા થા હમે. ઓર ખાના તો હમને યહાં ભી પેટ ભર કે ખાયા. અબ ખાના થા હી ઇતના મસ્ત તો ક્યા કરે. રુકો રુકો રુકો, એક ઓર મેમ્બર સે ભી મિલવાતા હું. બ્રુનો? યે વાલા નહીં રે, યે વાલા. હા, બડા ક્યૂટ હૈ. એક સિક્રેટ બોલું, રચિત ઓર નીનાદ કી ના દોનો કી ફટતી હૈ કુત્તો સે, તો યે તો દૂર ભાગ રહે થે. લેકિન અપન ઠેરે મસ્ત આદમી, મેં તો ખેલ રહા થા યાર ઉસકે સાથ. અબ ઘર મેં બેઠે રહેને કા મૂડ તો થા નહીં, તો ઘૂમને નિકલે બાઇક લેકે. અબ કહાં જા રહે થે યે તો હાર્દિક કો પતા. લેકિન જ્યાં લેકે ગયા બડી સહી જગા થી, તો યે થા ડે ટુ, ધી એસ્કેપ રિબોર્ન. સબ અપની મોજ મેં થે, હમ ભી યે દરિયા ભી. નોટંકી તો કી કેન્ડિડ ફોટોઝ કે નામ પર. એક્વામેન જો આવશે ને એમ એક્વામેન જાગવું જોઈએ. ઓર સાથ મેં યે રચિત કો એક્વામેન ભી બનાયા. અબ રચિત ને દરિયા કી મસ્તી કી, તો કુદી દેખ લો આગે ક્યા હોતા હૈ. આગે સ્વાદ? હા ભાઈ, ખારો સ્વાદ આવી ગયો. દરિયાએ રંગ દેખાડ્યો ભાઈ, દરિયાની મસ્કરી કારણે કરી ભાઈ. મને તો એમ કે જીરી કેવું પાણી આવશે. હા
यहाँ से माधवपुर कुछ 25 किलोमीटर दूर था। अब बाइक थी हमारे पास तो सीधा हाईवे पकड़ लिया हमने। अब उस बहाने हमारी बाइक ट्रिप भी हो गई। आगे का किधर है? लिख रहा हूँ यार। मुझे तो नहीं लग रहा। हाँ तो टाइम देखना, सो जाना तू भी। लेकिन स्टोरी बाकी है यार अपनी। अरे तो पार्ट टू लेके आएंगे यार। पार्ट टू? तो क्या पिक्चर बना रहे है क्या तू? हेलो। हाँ चलो सर। वडक्कम सर। आई हैव अ क्वेश्चन सर। हाउ कैन आई किल माई सेल्फ विदाउट किलिंग माई सेल्फ? रॉन्ग नंबर है। हेलो हेलो सर।